यूपी में सर्व शिक्षा अभियान मजाक बनकर रह गया है। यहाँ छात्रों का भविष्य रसोईया बना रहे हैं और शिक्षक आराम फरमा रहे हैं। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दुर्गापुर पुलिस के पास मुठभेड़ हुई है, 20,000 के इनामी को गोली लगी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पर पुलिस और आरोपियों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है और इस मौके पर शराब और पिस्टल पुलिस ने बरामद किए हैं। अलीगढ़ की ये बड़ी खबर है, पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। दुर्गापुर पुलिस के पास ये मुठभेड़ हुई है, 20,000 के इनामी को गोली लग गई है। दो आरोपी मौके से भाग निकले हैं, तो वहीं पुलिस ने भारी मात्रा में शराब और पिस्टल बरामद की है। बड़ी खबर आपको बता दें, अलीगढ़ से आ रही है। पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई और दुर्गापुर पुलिस के पास ये मुठभेड़ हुई है। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शनीश श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। तो अलीगढ़ का ये पूरा मामला है जहां पर पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। दुर्गापुर पुलिस के पास मुठभेड़ हुई है, 20,000 के नामी को गोली लगी है। दो आरोपी मौके से भाग निकले हैं। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में शराब और पिस्टल भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में तहकीकात में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अलीगढ़ से मिल रही है, दुर्गापुर पुलिस थाने के पास ही मुठभेड़ हुई है, 20,000 के नामी बदमाश को गोली लग गई है।